नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हैदराबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चार मीनार के पास में स्थित है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। तो आज हैदराबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हैदराबाद में होने वाली है, उसमें शामिल होंगे। भाग्य लक्ष्मी में भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चार मीनार के पास स्थित है भाग्य लक्ष्मी का मंदिर। तो बड़ी खबर, जहां पर आज हैदराबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि चार मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर स्थित है। तो आज हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक होने वाली है, जिसमें सभी बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो आज जो है वो हैदराबाद में आयोजित की गई है, जिसमें सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और वहां पर आज एक अहम बैठक जो है वो की जा रही है, जिसमें मुख्यतः माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर उसमें रणनीति बनाई जाएगी, उसमें सोचा जाएगा कि आगे चुनाव को किस तरीके से जीता जाए। और खास तौर पर उन राज्यों में फोकस होगा जहां पर 2019 के चुनाव में बीजेपी का बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था, तो उन राज्यों में किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाएगा, कौन से समीकरण होंगे जिनको लेकर चला जाएगा, किस तरीके से समीकरणों को साधा जाएगा, जो कैंडिडेट्स होंगे उनको किस समीकरण के आधार पर टिकट जो है वो दिए जाएंगे, टिकटों में किन समीकरणों का ध्यान रखना है, किस राज्य में क्या समीकरण है और किसको उस राज्य की जिम्मेदारी दी जाए। सबसे अहम इस बैठक में ये होगा कि किसको किस राज्य की जिम्मेदारी दी जाए, वहां पर कौन से समीकरण है, किसके हिसाब से क्या फिट होंगे। इन सभी चीजों को लेकर आज ये बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो चल रही है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी जो है बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ओवैसी के गढ़ में जो है वो सीएम योगी जो है वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए, जो सीएम वहां पहुंचेंगे उसके बाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जो है जाने के निवेदन जो है उसको उसमें भी वो जाएंगे, वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। तो ये पूरा फिलहाल आज का सीएम योगी का कार्यक्रम रहने वाला है। और बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें 2024 के एजेंडे को सेट किया जाएगा, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको जनता के बीच में लेकर जाना है, कौन से वो समीकरण है जिनको साधना है, किस तरीके से 2024 के किले को फतेह करना है, इसकी तैयारियों में बीजेपी लगी हुई है। और उसी के चलते ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई है। प्रियम, जिस तरह से देखा गया है, क्योंकि पीएम मोदी और ये कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है हैदराबाद में, 2023 में वहां पर तेलंगाना में हैदराबाद में जो होने वाला है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं पर ये अधिवेशन उस समय हो रहा है जब 2023 में विधानसभा चुनाव सर पर है। देखिए, चुनावी समीकरणों में और बीजेपी हमेशा देखिए चुनावी मूड में रहती है, और ऐसे में उसके लिए हर एक चुनाव एक बड़े इवेंट की तरीके से बीजेपी लेके चलती है, चाहे वो छोटे चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। तो तैयारी सभी को लेकर करनी है, सभी चुनाव को लेकर करनी है। और जिस तरीके से अभी आगामी जो चुनाव है 24 का मेन टारगेट है, इसके अलावा उसके पहले जो राज्यों के चुनाव है उनको लेकर भी इस बैठक में जाहिर सी बातें जरूर चर्चा होगी कि उनमें किस तरीके से पूरी योजना बनाई जाए, किस तरीके की रणनीति रहेगी और किस तरीके से उसमें पूरी तरह काम करना है, किस तरीके से जो नए जो कह सकते हैं कि जो जो चुनाव आ रहे हैं, आने वाले अपकमिंग जो इलेक्शन है उनमें पार्टी का कैसे बेहतर प्रदर्शन हो, किस तरीके से उन राज्यों में सरकार बनाए। और 2024 सबसे अहम इस समय बीजेपी के लिए है कि 2024 में वापस कैसे रिपीट किया जाए, राज्यों में कहां पर क्या पोजीशन है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कुछ कह रही हैं और आगे क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर गहन चिंतन मनन और मंथन जो है वो करने के लिए इस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेशन के लिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर देहरादून में भूस्खलन से सड़कों के बंद होने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 83 सड़कें बंद हो चुकी है। सीरो बगड़ भूस्खलन विभाग के लिए बना चिंता का विषय। 40 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया बद्रीनाथ हाईवे। तो बड़ी खबर आ रही है
देहरादून से, जहां पर लैंडस्लाइड्स के चलते सड़कें बंद हो गई है। सड़कों के बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 83 सड़कें अब तक बंद हो चुकी है। सीरो बगड़ भूस्खलन विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय है। 40 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया बद्रीनाथ हाईवे। 9 राज्य हाईवे, 10 मुख्य जिला मार्ग, 4 अन्य मार्ग भी बंद है। तो वही पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को खोलने के लिए 279 जेसीबी लगा दी है। 113 जेसीबी मशीनें हाईवे पर लगाई गई है। तो लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के चलते 83 सड़कें बंद हो गई हैं। सीरो बगड़ भूस्खलन विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर फिर खुली 16 साल पहले की घोटाले की फाइल। तो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर 16 साल बाद फिर से खुल गई है घोटाले की फाइल। 22 रिटायर्ड एलडीए अधिकारी जांच के दायरे में आ गए हैं। बिना टेंडर 56 लाख रुपए का किया गया था भुगतान। 11 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर बिना टेंडर भुगतान हुआ। 23 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। तो चार्जशीट दाखिल हो सकती है। एसआईटी की जांच में 23 अफसरों पर गिर सकती है गाज। 22 अफसर हो चुके हैं रिटायर्ड, एक अफसर केडीए में अभी भी तैनात है। तो घोटाले की फाइल खुली है, जिसमें जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उस पर बड़ी कार्रवाई करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। 16 साल पहले यह घोटाला हुआ था, जिसकी फाइल अब दोबारा खोल दी गई है। 22 रिटायर्ड एलडीए अधिकारी जांच के दायरे में आ गए हैं। तो बिना टेंडर 56 लाख रुपए का यह भुगतान किया गया था। 11 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर बिना टेंडर भुगतान हुआ। वहीं 23 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी हो सकती है। एसआईटी की जांच में 23 अफसरों पर गिर सकती है गाज। तो 11 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 23 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी हो सकती है। एसआईटी की जांच में 23 अफसरों पर गिर सकती है गाज। तो घोटाले की फाइल फिर खुल चुकी है। एसआईटी जांच कर रही है, जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उन सभी पर गाज गिर सकती है, बड़ी कार्रवाई होगी। 22 अफसर रिटायर हो चुके हैं अब तक, एक अफसर केडीए में अभी भी तैनात है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें, एलडीए में लगभग 56 लाख रुपए बिना टेंडर के ही भुगतान कर दिए गए थे। लगभग ये 16 साल पहले का मामला है। अब इसकी शिकायत की गई तो कहीं ना कहीं घपले की फाइलें खुल रही हैं, और इसमें कई पुराने अफसर जो रिटायर हो चुके हैं वो भी अफसर इसकी जद में आएंगे। 23 अधिकारियों के खिलाफ भी चार्जशीट जारी हो सकती है। जो एसआईटी की जांच है वो 23 अफसरों की गर्दन फंसती दिख रही है। 22 अफसर ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक अफसर जो है वो भी केडीए में तैनात है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है, और जिस तरीके से जांच टीम लगातार जांच की और एसआईटी ने जिस तरीके से अपनी चार्जशीट बनाई, तो कहीं ना कहीं हमारे सूत्र बताते हैं जल्दी इनके खिलाफ से कंजा कसेगा। और इसमें कई अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनसे भी जो पैसे वसूले जा सकते हैं। जी बता सिद्धार्थ, जिस तरह से कहा गया है, क्योंकि 16 साल पहले का ये घोटाला था और अब जाकर इसकी फाइल खुल रही है, जांच बैठा दी गई है, एसआईटी इसकी जांच कर रही है, इस पर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें, ये मेन मामला ये है कि बिना टेंडर के 56 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था विभिन्न विभिन्न फर्मों पर, तो बिना टेंडर निकालकर, और ये सब काम केवल कागजों पर हुए थे, ना कि जमीनी स्तर पर। तो कहीं ना कहीं इसकी एसआईटी से जांच कराई गई। जब जांच हुई तो जांच में ये सब चीजें खुल कर आई हैं, ये घोटाला। तो कहीं ना कहीं कई बड़े अफसर भी फंसते हुए दिख रहे हैं। अब देखना ये है कि कब इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसता है और कब इनको नोटिस जारी किया जाता है, कब इनसे और आगे की पूछताछ की जाती है। जी बता सिद्धार्थ, कहा जा रहा है कि 23 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें टोटल 23 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है। एक अधिकारी लगभग 22 अधिकारी जो है वो रिटायर हो चुके हैं, एक अधिकारी जो है वो इस समय तैनात है। तो कहीं ना कहीं अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीधे सीधे ये मैसेज भेज दिया गया है, आप घोटाले करें चाहे पुराने हो नए हो, जाँच सबकी होगी और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इन तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पटेल का बयान सामने आया है। सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर बोले राजकुमार पटेल, पल्लवी पटेल कार्यक्रम को खराब करना चाहती है, ऐसा कहना है राजकुमार पटेल का। अपना दल एस के कार्यक्रम में व्यवधान डालना चाहती है अपना दल एस, कल सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने जा रही है। तो ये बयान सामने आया है राजकुमार पटेल का। वही मैनपुरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 45,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हो चुके हैं। बदमाश के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 45,000 के हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 45,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। दन्नाहार क्षेत्र के ओडिया में यह मुठभेड़ हुई है। तो 45,000 के हिस्ट्री शीटर थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई मैनपुरी से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। दन्नाहार क्षेत्र के ओडिया में ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर अब हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी से, जहां पर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जहां पर मुठभेड़ के साथ ही अब हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो 45,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, जिन पर कई मामले आपराधिक मामले दर्ज हैं। दन्नाहार क्षेत्र के ओडे में यह मुठभेड़ हुई, जहां पर हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अतुल सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या है पूरी जानकारी? देखिए मैं आपको बता दूं, देर रात की ये घटना बताई जा रही है। थाना दन्नाहार क्षेत्र के औरण्य मंडल पर बाइक सवार जो बदमाश थे, उनसे पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद में बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से फिर गोली चलने लगी। जो पुलिस के इंस्पेक्टर थाना दन्नाहार एसओ थे, उनको सीने पर गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहने हुए थे, जिससे वे बाल बाल बच गए। हालांकि जो बदमाश है, उसके भी पैर में गोली लगी थी। 45,000 रुपए का इनामी बदमाश जो है वो बताया जा रहा है, जो पकड़ा गया है 45,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जिस पर मैनपुरी में 25,000 का इनाम है। तो वही फिरोजाबाद में 20,000 रुपए का इनाम इस इनामी बदमाश जो भिन्ना है, इस पर पहले से घोषित था। वहीं इसका एक अपराधी जो बाइक चला रहा था जमील, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के बाद इनको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। औरण्य मंडल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं बड़ी चीज ये रही कि औरण्य मंडल पर जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली, तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में ट्रैफिक पुलिस के अलावा तमाम जिले के बड़े पुलिस के अधिकारी वो है मौके पर बुलाए गए। जो जो कानून व्यवस्था थी, उसको सुधार के लिए लगातार पुलिस मैनपुरी की काम कर रही है। और पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो 4 एनकाउंटर जिले में हो चुके हैं। जी, जिस तरह से आप अतुल बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस को सूचना कहां से मिली, कहां इनकी गिरफ्तारी हुई?
देखिए बड़ी चीज ये है कि थाना दन्नाहा क्षेत्र का औरन मंडल जो लगता है क्षेत्र, वो थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र लगता है। वहां पर पुलिस को, थाना दन्नाहा पुलिस और मैनपुरी की एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि बाइक से दो बदमाश वहां से जा रहे हैं। भिन्ना जो है वो 45,000 का इनामी था, उसके मिलने की सूचना के बाद में पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया। थाना दंडाहार पुलिस और एसओजी टीम ने वहां पर घेराबंदी की, जिसके बाद में बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हो गई, दोनों ओर से गोलियां भी चली हैं। हालांकि दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से दो तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एक बाइक जिस पर ये दोनों जा रहे थे, उस बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेशन के लिए अतुल। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सिद्धार्थ नगर जिले हर साल बाढ़ की मार झेलता है, यहां बूढ़ी राप्ती नदी से सटे खैरी शीतल गांव के ग्रामीणों को बारिश शुरू होते ही बाढ़ का चिंता सताने लगती है, लेकिन शासन प्रशासन इन पर ध्यान नहीं देता है। ये वही गांव है जहां 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ आने पर इस गाँव का दौरा मोटर बोट से किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का आज तक इस गांव में पालन नहीं किया गया है। हर साल बारिश शुरू होते ही ग्रामीणों को बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। हम खड़े हैं सिद्धार्थ नगर जिले के सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खैरी शीतल गांव में, जहां बाढ़ की विभेषता से लोग यहां परेशान रहते हैं। हर साल यहां बाढ़ आती है और बाढ़ से कई घर और कई बुजुर्ग इस बाढ़ से परेशान रहते हैं। आइए, कुछ लोग हैं स्थानीय लोग, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या है उनकी यहाँ की समस्या। चाचा, आप यहाँ के निवासी हैं, ये बताइए इस बाढ़ से क्या समस्या होती है जब बाढ़ आती है? बहुत दिक्कत है सर। दवा दर्पण के लिए आप लोग क्या करते हैं बाढ़ में? बहुत दिक्कत है यहाँ सर, जो ना यहाँ से जो नाव प्रधान को मंगाए दें तो 8 रोज पे 10 रोज पे जाते हैं। इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं बाढ़ जब आती है, तो आखिर में आप लोग कैसे यहाँ खाना पीना की व्यवस्था कैसे करते हैं जब बाढ़ आ जाती है? बहुत दिक्कत रहा था सर, जो ना यहाँ खाना पीना का जो ना दूसरे गांव जो है नाव पे लाए गेहूँ लाई। और लोग भी यहाँ स्थानीय लोग, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या समस्या होती है बाढ़ आने पर यहाँ? बाढ़ आने पर बहुत बड़ी समस्या है साहब, जो है जैसे घर में पानी हल जाता है तो खटिया पर धे पिहाना हो जो उन्हें खाना बनाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कभी ध्यान दिया इन सब चीजों को जो बाढ़ से समस्या आ रही है, कटान होती बाबा है। योगी आदित्यनाथ ने जो है बोध में गांव लिया, जो है इनके जमदका पाल को जो है इस समय पर इन्हें दिखाया कि जो है इस गाँव के लिए तुम्हारा काम है कि इसको निगरानी किया जाए। तो कोई जनप्रतिनिधि आया झाकने निगरानी करने? कोई नहीं आया। इनका कहना है कि यहाँ पे ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया, ना ही कोई स्थानीय अधिकारी यहाँ पे आया। अब इनका कहना ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गांव को गोद भी लिया है, लेकिन फिर भी ये इनकी बाढ़ की विभेषता झेलते रहते हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ ने इस गांव को गोद लिया है, फिर भी मूलभूत सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। सिद्धार्थनगर जिले से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। पलट गई बस में सवार बीएसएफ का जवान अजीत कुमार की मौत हो गई है। बस में सवार 8 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, तो वहीं घायलों का निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहीं उनका इलाज चालू है। तिलोकू से तुतला भवानी दर्शन कर लौट रहे थे दहियार, तो बस में सवार बीएसएफ का जवान भी उस बस में सवार था, अजीत कुमार उनका नाम बताया जा रहा है। 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। तो रोहतास से बड़ी खबर आ रही है, जहां से लोगों से खचाखच भरी बस अचानक से पलट गई। बस में सवार बीएसएफ का जवान भी था, अजीत कुमार उनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो बस में सवार 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तिलोथू से तुतला भवानी दर्शन करके लौट रहे थे। तो रोहतास से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लोगों से भरी बस पलट गई। बस में सवार बीएसएफ का जवान भी था, जिनका नाम अजीत कुमार बताया जा रहा है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 8 अन्य लोग घायल हैं,
घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तिलोथू से तुतला भवानी दर्शन करके लौट रहे थे जिस दौरान यह हादसा हो गया। तो रोहतास से बड़ी खबर, जहां से लोगों से भारी बस पलट गई। बस में सवार बीएसएफ का जवान अजीत कुमार की मौत हो गई है मौके पर। बस में इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।